हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेटेस्ट वायरल की तरफ से। मैं आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एनआईडी आईडी को लेकर पहले ही बहुत सवाल उठ चुके हैं और यूट्यूब पे आपको एनआईडी आईडी के बारे में बहुत सी वीडियो मिल जाएंगे कि एनआईडी आईडी कैसे बनाना है, एनआईडी आईडी किसे बनाना है। आज मैं भी आपको ये बात बताने जा रहा हूँ, लेकिन उन वीडियो से अलग बात मैं आपको बताऊंगा कि एनआईडी आईडी किसे बनानी है। कुछ लोगों के मन में यह विचार था कि क्या प्राइवेट बीए बीएससी और बीकॉम कर रहे हैं, क्या उन्हें भी बनानी है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कल मैंने एक इश्तेहार पढ़ा था, उसमें लिखा था कि 2020 के प्राइवेट बीए बीकॉम और बीएससी के फॉर्म शीशेश यूनिवर्सिटी लगभग 3 तारीख से अपना ऑफिशियल वेबसाइट पर भरने शुरू कर रहा है, और जिसमें उसने कह दिया कि प्राइवेट जो बंदा प्राइवेट बीए के लिए अप्लाई करेगा उसे एनआईडी आईडी जरूरी है, चाहे बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो। बीकॉम, बीए और बीएससी तीनों के लिए, प्राइवेट वालों के लिए भी एनआईडी आईडी जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एनआईडी आईडी बनाने के लिए आपको एक डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे जाकर आप अपनी एनआईडी आईडी बना सकते हैं। एनआईडी आईडी बनाने के लिए आपको आधार कार्ड की जरूरत होगी, जो कि आपको हाथों हाथ यूएडीआई की वेबसाइट से उतारना होगा। उसका मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा अगली वीडियो में। फिलहाल जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं उस पर आते हैं। तो एनआईडी आईडी किसको बनानी है, हम आपको बताने जा रहे हैं कि एनआईडी आईडी किसको बनानी है। तो एनआईडी आईडी मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों में यह भ्रम फैल रहा था कि क्या प्राइवेट वालों को नहीं बनानी, कि जो प्राइवेट कर रहा है बीकॉम बीएससी या बीए उसको क्या नहीं बनानी। लेकिन अब यूनिवर्सिटी ने साफ कह दिया है कि 3 जनवरी से 18 जनवरी तक सीसीएस यूनिवर्सिटी के प्राइवेट फॉर्म की डेट आ चुकी है और 3 जनवरी से भरने शुरू होंगे और 31 जनवरी तक फाइनल प्रिंट कॉलेज में सबमिट करना पड़ेगा। तो इसके लिए सीसीएस यूनिवर्सिटी ने साफ कर दिया है कि एनआईडी आईडी के बिना आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी एक एनआईडी आईडी जनरेट करनी होगी, जो आप किसी भी साइबर कैफे से या अपने लैपटॉप पर घर बैठे आसानी से बना सकते हैं। उसके लिए भी मैं एक वीडियो दे दूंगा। एनआईडी आईडी में आपको ऐसा होगा कि जब भी आप अपना कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे सीसीएस यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स का, जैसे बीकॉम बीएससी या बीए किसी का भी करेंगे, तो आपको एनआईडी आईडी नंबर देना होगा, ताकि आपका एडमिट कार्ड या भविष्य में कोई भी आपका प्रमाण पत्र या मार्कशीट एनआईडी आईडी में खुद ही आपको मिल जाएगा, जैसे डीजी लॉकर की तरह। यह एक डीजी लॉकर की तरह कार्य करता है और यह अपनी पैन कार्ड एनएचडीएल की तरफ से होता है और आपका सभी डेटा उस पर रहेगा। क्योंकि कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी मार्कशीट या कोई जरूरी डॉक्यूमेंट्स खो जाता है और वे बहुत परेशान होते हैं, तथा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसको नजर में रखते हुए भारत सरकार ने अब यह एनआईडी आईडी सभी विश्वविद्यालयों में लागू किया है, लेकिन सीसीएस यूनिवर्सिटी ने इसे पहले अपने उसमें लागू करने का सोचा है और इसकी शुरुआत भी की है। अब से कोई भी फॉर्म भरा जाएगा तो वह एनआईडी आईडी के बिना नहीं भरा जाएगा। प्राइवेट वालों को भी इसकी बहुत जरूरत है, बिना इसके उनका प्राइवेट फॉर्म सबमिट नहीं होगा। और एक बात और मैं आपको बता दूं, एनआईडी आईडी बनाने से केवल कुछ नहीं होगा, आपको वह एनआईडी आईडी का प्रिंट निकलवाकर कॉलेज में सबमिट करना होगा, ताकि कॉलेज उसका वेरिफिकेशन कर सके। कॉलेज का वेरिफिकेशन होने के बाद ही कॉलेज द्वारा आपको एक आईडी पासवर्ड दिया जाएगा, जो आपका एनआईडी आईडी पासवर्ड होगा, जिससे आप भविष्य में सीसीएस यूनिवर्सिटी का कोई भी फॉर्म या कोई भी एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, और आप अपना किसी भी प्रकार का सुझाव, जिस भी प्रकार की आप वीडियो हमारे चैनल पर जानकारी पूर्ण चाहते हैं, कमेंट करें, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।